चंदन तिवारी में रघुवर दास की सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति दी थी, लेकिन मौजूदा हेमंत सरकार ने इस कॉलेज को चंदन तिवारी से रद्द कर दूसरी जगह ले जाने की अनुशंसा की है, जिसे लेकर बीजेपी नेता कृपानाथ मुखर्जी ने कहा कि अगर सरकार कॉलेज के प्रस्ताव को रद्द करती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करी जाएगी। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के पुरनपनिया गांव में आज भी विकास की बाट लोग जोह रहे हैं। गांव के लोग सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों की माने तो इस गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़क का अभाव है। बारिश के कारण सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वोट देगी तो हम लोग को जिताएंगे, तब रोड बना देगी। बस वोट देने का बाद कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। यहीं पर खाटी पर टांग के हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से हम लोग को जांच करके हमको लाते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इतना दिन हमको देखते देखते हम लोग को पहाड़ जगह कुछ है, हम लोग बाबा जी को बता दिया, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं दे रहा है।